तो पहला सवाल जो हमारे पास आई एम गोना एक्ट एज मॉडरेटर सो वी हैव टू पैनलिस्ट यस पहला सवाल है जब मैं मोबाइल फोन वाई डू वी गेट एंग्री वेन वी यूज मोबाइल फोन जब हम मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं तो एक चिड़चिड़ापन गुस्सा क्यों आता है दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इज अन क्वेश्चन तो समझ में आया सबको सवाल जब कौन कौन मोबाइल फोन यूज करता है ऑल ऑफ यू कौन कौन को चिड़चिड़ापन देख करके गुस्सा आता होगा कुछ लोगों को होता होगा सो क्वेश्चन इज क्यों ऐसा होता है अगर आपने मेरा जब मैं सेशन ले रहा था बॉयज़, अरे मेरे भाई लोग उसका सवाल है तू क्यों बता रहा है उसके कान में <laughs> भाई उसका सवाल उसको लिखते हैं तुम क्यों उसके कान में बता रहे हो राइट <laughs> right? पर सवाल भी पूछ के लिखना है क्या ओके okay, तो मैंने जब सेशन लिया था आपने ध्यान से सुना का जो मोबाइल फ़ोन है इसका ये कोकीन के समान है ड्रग्स के समान है सो फोर आवर्स ऑफ मोबाइल इज टेन इजिकल्स टू टेन ग्राम ऑफ कोकिन यानी चार घंटा अगर आप मोबाइल फोन पे स्क्रीन टाइम है आपका तो वो कोकीन ड्रग्स है तो जब आप शराब पीते हैं तो पहले क्या कैसे शुरुआत करते एक पैक से कोई भी पूरी बोतल से शुरुआत की हुई मैनवल से ही कह रहा हूँ ना मैं एक घूट से हाँ वो सही हो तो एक घूट से शुरुआत करते हैं थोड़ा सा चखने के लिए और धीरे धीरे क्या होता है ना बोतल आपको पकड़ने पहले आप बोतल को पकड़ते हैं फिर बोतल आपको पकड़ लेती है <laughs> तो पहले आप मोबाइल फोन को पकड़ते हैं फिर मोबाइल आपको पकड़ लेता है सो इट इज़ लाइक एन एडिक्शन विट प्लेज विद योर ब्रेन न्यूरोन साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि आपके ब्रेन सेल डेड होते हैं जो उसके अंदर से जो ब्लू राई लाइट निकलती है मोबाइल फोन से इट इज साइंटिफिकली प्रूवन मेरे वाइफ के पास भी वो आर्टिकल है कि आप कोकीन ले रहे हो दस ग्राम हर दिन जब आप चार घंटा स्क्रीन टाइम जा रहे हो तो हो क्या रहा है वो चिड़चिड़ापन वो इमोशनल चीज़ें वही से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको सेकेंड थिंग ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है जो आप विजुअली देखते हो वो आपको इम्पैक्ट करता है इसकी बजाय जो आप वर्बली सुनो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना वो ऐसे ही डिज़ाइन किया गया अगर मैं कुछ बोलूँगा तो आप भूल जाओगे लेकिन आज से 10 साल पहले की पिक्चर आपको याद होगी जो आपने देखी होगी ठीक है ना तो विजुअल्स क्या करता है मोबाइल इट प्लेस विद आ ब्रेन जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बहुत समय तक वो चीज रहती है सो so, जो चीजें हम देखते हैं ना वो भी हमारे स्वभाव को डिफाइन करती है फॉर एग्जाम्पल मिर्जापुर सीजन फोर गाली राइट सो इट विल इन्फ्लुएंस योर माइंड यू विल बिकम चिड़चिड़ा यू विल गेट एंग्री एनिमल मूवी जो आई थी सबने देखी ना तो उसमें वायलेंस है तो जो तुम देख नहीं दीज आर मूवीज नहीं कुछ लोग तो देखे होंगे एनिमल देखा होगा हाथ तो नहीं उठाएंगे ये लोग लेकिन आ, सब अच्छे बच्चे हैं तो मूवीज देखते होंगे यहां पे किसी के फोन में एनिमल की रिंगटोन भी लगी है आज ही मैंने सुनी थी एनिमल की रिंगटोन भी लगी है सोच लो अब इसका मतलब वो मूवी आपको प्रभावित कर रही है समझ में आया क्या हो रहा है यस 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 दैट इज़ व्हाट सो ये जो है रेप है जो टीवीज में आप देखते हो ना मूवीज में रेप वायलेंस जो भाषा यूज करते हैं वर्गर लैंग्वेजेस और लोग लड़कियों को यूज करना उनका शोषण करना दिस इज ऑल डेमोनिक ये सारा दुष्ट आत्माओं का काम है दिस इज नॉट फ्रॉम द लॉर्ड तो जो आप देखते हो वो आपके माइंड को इन्फ्लुएंस कर रहा है सब कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज हैं और वैसे ही सपने भी फिर आपको आएंगे वैसा ही एक स्वभाव आप नेचर में डेवलप करोगे एनिमल जैसा आपको लगेगा वो स्वैग एटीट्यूड है लेकिन वो एटीट्यूड नहीं है इट इज डिमोनिक द बिगेस्ट इंस्ट्रूमेंट जो सबसे बड़ा यंत्र है शैतान का आज वो है टेक्नोलॉजी क्योंकि हर जगह ना कोई इंसान नहीं पहुंच सकता और शैतान तो परमेश्वर है नहीं कि ओमनी प्रेजेंट हो हर जगह पहुंच जाए लेकिन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो छोटे से छोटे गांव में और बड़े से बड़े शहर में उपलब्ध है एक छोटे से इंस्टाग्राम वीडियो को आप वायरल कर दो और देखो क्या होता है पांच लाख व्यूज दस लाख व्यूज बीस लाख जिन लोगों को आप कभी मिल नहीं सकते वो भी आपसे इन्फ्लुएंस्ड है ये सब इट इज़ रिमोनिक इसमें एक और चीज़ है जब मैं एक रील प्रोड्यूस करता हूँ और मैं पोस्ट करता हूँ मेरी उम्मीद है कि मेरे व्यूज़ और लाइक्स और थम्स अप एंड थम्स डाउन वो इस पर आएंगे जब मेरे उम्मीद के अनुसार उतने नहीं आते हैं आई बिकम डिप्रेस्ड इट बिकम्स अ कॉज ऑफ डिप्रेशन जिस वजह से फिर चिड़चिड़ापन शॉर्ट टेम्पर ये जैसे भावनाएं उभर के आती है बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई है दूसरा एक होता है एंगजाइटी हम हर दस मिनट पर या हर पाँच मिनट पे फ़ोन पे देख रहे हैं लाइक्स बढ़ी हैं या नहीं अभी तक 200 थी 201 क्यों नहीं हुआ 203 कब होगा 205 कब होगा? होगा क्यों नहीं हो रहा दिस एंग्जाइटी वर्कस इट रिलीस केमिकल्स अब हम लोग पादरी हैं हम तो ये सब कहेंगे ही लेकिन क्यों ना एक साइंटिस्ट के मुंह से कुछ टेक्निकल शब्दों के द्वारा यही मैसेज कन्वे किया जाए yes, uh -huh. क्या आप सब जानते हैं कि पास्टर <coughs> महेन की वाइफ इज अ साइंटिस्ट शी हैज़ डन हर पोस्ट डॉक शी इज डूइंग हर पोस्ट डॉक्टरेट इन नहीं सब्जेक्ट

तो हमारे कुछ आपको सबको पता है ना हमारा शरीर कोशिका से बना हुआ है है ना जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं उसी तरीके के सेल्स हमारे ब्रेन्स में जो हमारा दिमाग होता है हमारा दिमाग भी कुछ कोशिकाओं से बना होता है जिनको हम नर्व सेल्स कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं जब हम कुछ भी देखते हैं तो उत्तेजित होते हैं ना कभी कभी कोई चीज़ों को देख करके हम लोग एकदम से उत्तेजित हो जाते हैं या हम डिप्रेस हो जाते हैं वो इसलिए होता है कि कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं है ना वो कुछ छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं और उनमें से एक डोपामिन है एंड ग्लूटरेट है बहुत सारे हैं ऐसे ना उनका सबका अलग अलग काम होता है तो अगर कोई एक पर्सन है जिस कोई पर्टिकुलर मोबाइल देख रहा है और ऐसा कुछ देख रहा है जिसकी वजह से उसका दिमाग में डोपामिन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि डोपामीन ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा डिप्रेशन को कॉज करेगा नॉर्मल अमाउंट में तो वो सही है लेकिन जब वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा अपने नॉर्मल अमाउंट से तो या तो वो डिप्रेशन में अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा या तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको आपने सुना होगा स्किड्जोफेनी आपने सुना होगा है ना ए डी एच तो आ, होता है मतलब कि वो कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए रहता है आप उनसे नहीं पूछेंगे आप सेम जगह पर आप उनसे नहीं पूछेंगे कि हाई नहीं कि अगर आपने उनसे तो वो बहुत जल्दी बुरा मान लेते हैं है ना तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं जैसा हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है और वो प्रोसेस करना जो भी हम हमारा सराउंडिंग है वो डिफ़ाइन करता है कि हम किस सराउंडिंग में हैं कैसा एनवायरनमेंट है और उसी हिसाब से हमारे जो जो दिमाग के जो सेल्स होते हैं नर्व सेल्स होते हैं वो रिस्पोंड देते हैं तो ये जो केमिकल्स होते हैं ये रिलीज़ होते हैं जब हम गुस्सा होते हैं तो अलग तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम हताश होते हैं तो अलग तरीके के होते हैं जब हम डिप्रेशन में होते हैं तो अलग तरीके के होते हैं तो, तो ये सारा का सारा सुजैन जो आप कह रहे हैं केमिकल्स रिलीज होती हैं तो केमिकल्स के वजह से गुस्सा आता है या गुस्से के वजह से केमिकल्स रिलीज होती हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है स्टार्ट होगा जैसे कोई एक रिएक्शन होता है ना वो स्टार्ट होगा और आगे वो बढ़ करके एक सर्कुलर पाथवे फॉलो करता है पहले तो डोपामिन सिक्रीट हुआ जिसकी वजह से बाकी सारे न्यूरॉन एक्साइट हुए वो एक्साइटेशन की वजह से डोपामिन और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा मैं बस एक ही न्यूरो का एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे कई हैं जो हमारे बिहेवियर को डिफाइन करते हैं या फिर हमारे बिहेवियर को बताते हैं कि हम किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी थैंक यू यू कैन टेल कि जो स्क्रीन है मोबाइल फोन का ब्लू रेज जस्ट टेक वन मिनट और थर्टी से Do you have any idea of how to? Blue rays actually it uh, hampers your eyes. आपकी आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं और आजकल बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गया ना ब्लू रेज वाला चश्मा आने लगा है ताकि आप अपनी आईज़ को प्रोटेक्ट कर सकें क्योंकि हमारी आईज़ भी कुछ सेल्स से बनी होती है और ये जो ब्लू रेज होती है इवन अगर आप ब्लू रे वाला स्पेक्स भी लगाएंगे तो वो पेनिट्रेट करके सिर्फ स्क्रीन में सिर्फ ब्लू रेज ही नहीं होती उसके अलावा भी बहुत सारी रेज होती हैं जो हमको अभी नहीं पता है इसीलिए उनके लिए कोई स्पेशल चश्मा नहीं बना है है ना एक्स वाई जेड कोई भी रेज हो सकती है अगर हमको पता है कि एक्स रेज निकलती मतलब नॉट एक्स रे जेड रे निकलती है तो हमने जेड रे के लिए जो है चश्मा बना लिया फॉर एग्ज़ाम्पल लेकिन जो वाई रे है बी रे है मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ तो उनके लिए वो चश्मा नहीं बना क्योंकि हमको पता ही नहीं है उस बारे में तो ये सारी चीज़ें आपकी आँखों के जो सेल्स होते हैं जो रॉड एंड कॉन्स होती हैं आँखों में उसको इफ़ेक्ट करती है और बहुत जल्दी धीरे धीरे धुंधलापन होना बहुत आपने अभी सुना होगा कई लोगों को उम्र से पहले के हो जाता है ना मोतियाबिंद हो जाता है तो हमारी जो आँखों की जो लेयर होती है हमारी आँखें बहुत नाजुक होती हैं ये सारे सेल्स को जो है हैम्पर करता है या फिर नुकसान देता है थैंक यू थैंक यू एक Uh, एक प्रैक्टिकल जो अभी उन्होंने बताया उसी का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा फ़ोन की वजह से अभी कुछ दिन पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास और हस्बैंड और वाइफ के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और हस्बैंड का कहना था वाइफ उनको टाइम नहीं दे रही है और पूरा टाइम वो फ़ोन देखती रहती है और फ़ोन की वजह से अभी ऐसी स्टेज पे वो है जब वो फ़ोन में कोई वीडियो देखती हैं तो अपने हस्बैंड से जाके वो लड़ती हैं कहती हैं तुम उस लड़की के साथ क्यों नाच रहे हो मतलब उनको रियल लाइफ कैरेक्टर्स मोबाइल में जो वीडियोस वो देख रही हैं उसमें दिखने लगे हैं एवं अपने हस्बैंड से कह रही तुम अपनी मम्मी के साथ यहाँ पर क्यों डांस कर रहे हो तो ऐसी स्टेज हो जाती है अगर फ़ोन देखने के लिए पेरेंट्स मना करते हैं या कोई मना करता है तो हम लोग को लगता है कि अरे कुछ नहीं होता बट होता है और प्रैक्टिकली हो रहा है और ऐसी प्रेयर रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास सो so, बी केयरफुल। एक्चुअली आप लोग एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीना शुरू देते हैं जब डोपोमाइन रिलीज होता है ना एक्साइटमेंट क्रिएट होती है हाइपर एक्साइटमेंट किसी नशेड़ी से पूछो जब वो पहला इंजेक्शन लेगा ना उसको बड़ा एक्साइटमेंट लगेगा पहले पैग में बहुत मजा आता है लेकिन उसके बाद से ना यू शी जो उसका रिलैप्स होता है जब नहीं मिलेगा तो हाथ पैर कापना हाइपर एक्टिविटी आना लोगों को मारना चीजों को फेंकना एंकर आना ये सब उसका बाय रिजल्ट है डोपामेन का जो रिलीज़ जो अभी बात कर रही थी जैना मेरा वाइफ जो बात कर रही थी ये सारा तो एक हम अपना एक झूठा संसार बना लेते लाइक ही सेट लाइक वी हैव टू पेशेंट्स राइट नाउ मैं बता देता हूँ हमारे टीम चैलेंज में रिहाब में दो बच्चे हैं बहुत जवान हैं पबजी एडिक्ट थे वो पबजी एडिक्ट थे और उनके हाथ अभी भी ऐसे उनको चेन से बांध करके रखा हुआ है उनके हाथ ऐसे चल रहे हैं वो बोल रहे हैं वो पबजी में नहीं है उनके हाथ में वीडियो गेम नहीं है बट उनके दिमाग में वो अभी भी पबजी में है और वो खेल रहे हो कह रहे भाई 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 वो आपस में ही कर रहे हैं ये समझ रहे हो ये अनरियलिस्टिक चीजें हैं जो चीज़ मैं आप है दिस इज़ वट डेबल वॉन्स टू डू स्नैच योर आइडेंटिटी द रियल फेज ऑफ योर लाइफ एंड गिव यू अ फॉल्स वर्ल्ड एक झूठा संसार देकर आपको उसमें रहने के लिए वो देना चाहता है जिसमें आप अपनी खुशी ढूंढते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन के रील्स में जैसे पास्टर ने बोला कि कितने फॉलोअर्स आए कि मेरा मोनिटाइज हुआ कि नहीं हुआ चैनल और मेरे को दिल कितने बन के आ रहे हैं थम्सअप कितने आ रहे हैं नहीं हो रहा तो मैं डिप्रेस हो रही है कंटेंट फिर मैं चेंज कर रही हूँ क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्यों क्योंकि यार रील्स नहीं आ रहे अब तो मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो या तो पूरा मैं न्यूड खो जाऊँ या तो बिल्कुल ही बेकूफ़ी वाले रील्स डालूँ जिनका कोई मतलब नहीं है तो यही लोग आजकल फे, फेसबुक पर आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पर जो सच में अच्छा कंटेंट बना रहे हो या सच में जो बर्बाद हो चुके हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है वो सब उसमें उल्टा सीधा जो आएगा लाइक्स पाने के लिए मोनेटाइज करने के लिए करेंगे राइट सो एक अनरियलिस्टिक आइडेंटिटी बनाने के पीछे मत दौड़ो जो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ आ जाता है वो है पॉन कई जो सवाल पूछा अभी एक जो थर्टी परसेंट ऑफ सारे सवालों का जो निचोड़ आ रहा है ना हमारे पास वो है कि पोन एडिक्शन से बाहर कैसे आए यह पोनोग्राफी जो अश्लील वीडियोस हैं अश्लील वेबसाइट हैं अश्लील पिक्चर्स हैं उन चीज़ों को हम देखते हैं उनका लत लगता है वो क्या होता है वो भी आपके अंदर ब्रेन में एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है इनिशियली और आप अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के संग बैठ जाते हो आप किसी भी एक ऐसे व्यक्ति से पूछना बिकॉज आई हैव मेट फ्रेंड्स हु हैव गॉन थ्रू दिस फेज जो इससे होकर के बाहर निकले हैं वो वो हस्बैंड वाइफ में हस्बैंड वाइफ से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि उसने देखा क्या है वही और जो वो वर्ल्ड चल रहा है पोन का वो एक्चुअली वो सब एक एक्टिंग है वो सब एक चीज़ जो है वो एक बनाया हुआ एक प्ले है जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप उन्हें देखें और एडिक्ट हो जाए दैट इज़ बाई द क्रिएट कंटेंट कि आपके एडिक्शन से उनको पैसा मिले ये शराब तमाकू क्यों बनाते हैं उसमें लिखा रहता है डेंजरस टू हेल्थ खाने से पहले डब्बे के बाहर लिखा रहेगा सिगरेट तमाकू पे फिर भी लोग खाते हैं लिखा है ना इट इज मेड वो इसीलिए बनाया जाता है कि आपको एडिक्ट बनाएं और उनका बिजनेस एडिक्शन पर है आपको ये नहीं पता होगा दिस आई केम टू रिसेंटली नो थ्रू अ डॉक्टर फ्रेंड इन हिमाचल उसने बोला पादरी साहब आपको पता डायबिटीज बनाई गई बीमारी है उसने मुझसे बोला डायबिटीज बनाई गई बीमारी है मैंने बोला कैसे डॉक्टर साहब उसने बोला ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना कॉर्पोरेट्स से सिप्ला सनफॉय इनकी जो जो ये जो दवाइयाँ जो कंपोजिशंस आते हैं ये दुकानों को पैसा देते हैं कि तुम ऐसी चीज़ें क्रिएट करो कि ये शुगर एडिक्ट बन जाए ये शुगर एडिक्ट बन जाए और ये इस बीमारी में जाएंगे तो हमारी सेल होगी तो दिस इज बोथ आर रिलेटेड दे वॉन्ट यू टू बिकम एडिक्ट ताकि उनका ये चीज़ आप सवाल ये उठता है मुद्दा ये है कि भाई हम एडिक्ट हैं पादी साहब भैया हम एडिक्ट हैं हम इससे बाहर कैसे आए ना मुद्दा तो ये है कि भाई हम पोर्न में देख रहे हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए हम देख रहे हैं इससे बाहर कैसे निकले ये सवाल है राइट और और आपके बीच से ही पूछा गया है तो मुझे मुझे लगता है ज़्यादातर सवाल इसी पर आकर रुक गए हैं तो आपका नहीं ये एक्चुअली आउटसाइड जेंजी का बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है हाउ टू कम आउट ऑफ द एडिक्शन पहली चीज है विल पावर पहली चीज है अ चॉइस दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू इट आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ ए डिसीजन एक चुनाव कि मैं ये नहीं करना चाहता यह सही नहीं है और मैं इसके बाहर निकलना चाहता पहला चीज इसका पहला स्टेप यह जब तक आप निकलना नहीं चाहोगे कोई आपकी मदद नहीं कर सकता मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है मुझसे कहता है भैया मैं ये कर रहा हूँ मुझसे बाहर निकलना है तो पहली चीज हम ये उससे पूछते तुम क्या निकलना चाहते हो क्या ये चुनाव करना चाहते हो क्या ये इच्छा शक्ति है क्योंकि इसके लिए कई सारे अनुशासन है डिसिप्लिन है जिसका फॉलो करना पड़ेगा फ़ोन फास्टिंग फ़ोन नहीं जाओ सोशल मीडिया फास्टिंग मत जाओ एंड मूवीज फास्टिंग जो चीज़ें तुम्हें नहीं देखनी उन पर मत जाओ जो तुम्हें पता है कि उन चीज़ों की ओर मैं कर सकता हूं फोन का जो नाइन्टी डेटा है वो मोबाइल एक्सेस है लैपटॉप से एक्सेस नहीं हो रहा है इंडिया में सबसे ज़्यादा फोन एडिक्शन जो है मोबाइल के थ्रू है तो अगर आप मोबाइल का एक्सेस रोक दोगे ना फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल वेज इन एप्पल डिवाइस देर इज़ समथिंग कॉल्ड सेफ ब्राउजिंग आप उसको अगर ऑन कर देते हैं जैसे मेरे आईपैड पर वो ऑन है तो मेरा बेटा अगर कुछ देखना भी चाहेगा वो नहीं देख सकता जब तक मेरा पिन उसमें नहीं जाएगा या मेरे को नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसी कोई भी एक ऐसी वेबसाइट जाती है सो फर्स्ट थिंग इज यू मेक प्रैक्टिकल वेज उसको ऑन करो ताकि गलती से भी ऐसा कोई पोस्ट तुम्हारे को ना दिखाई दे तुम तो उससे बाहर निकलना चाहते हो अचानक से कोई पोस्ट आ गया क्योंकि वेब ना आपकी हिस्ट्री पढ़ता है आप नोट नहीं कर रहे हो मार्क्स बुक का ये स्टेटमेंट था ऑन द सेनेट ऑफ कांग्रेस द सेनेटर आज डिम क्या मैं यहाँ से उठ कर यहाँ पर चलता हूँ तो क्या मेरा मोबाइल फ़ोन आपको वो लोकेशन बता रहा है वो कहता है जी सर बता रहा है वो कहता है मैं जो टीवी में देख रहा हूं जो सुन रहा हूं क्या मेरा मोबाइल फोन वो डेटा आपको दे सकता है बोलता है हाँ सर आर डेटा पिछे ही और मार्क मार्क्सुकर स्टेटमेंट आपके मोबाइल फोन भी आपको देख रहे हैं आपके पैटर्न को वॉच कर रहे हैं आपको नहीं पता आपका लैपटॉप का जो स्क्रीन है ना कैमरा कोई यूज कर कर आपको देख रहा है ए उसका यूज कर रहा है आपकी हैबिट को डेवलप करने की देखता क्या है ये सुनता क्या है एफ वाले सॉन्ग जो है वो ज्यादा सुनता है तो इसको एफ वर्ड वाले सॉन्ग ही भेजो तो सजेशन में भी आपके नोटिफिकेशन में ये पॉन वीडियोस देखता है तो नोटिफिकेशन भी उठ करके वही आएगा आपको तो करना क्या है पहले एक सेफर पहले एक चुनाव करना है कि मुझे इसके बाहर निकलना है दूसरा फाइंड अ मेंटर सम हु इज एल्डर जो आपसे बड़ा हो और अच्छा रहेगा एक पास्टर हो एक अगवा आत्मिक रूप से हो उसके संग बैठे इस प्रॉब्लम को डिस्कस करे जो कि आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होगा यानी yani, आप उसे हर दिन कम से कम सप्ताह में एक बार सप्ताह में दो बार या हर दिन शुरुआत में हर दिन होगा फिर हर दिन से वो तीन दिन होगा तीन दिन से वो दो दिन होगा फिर सप्ताह में एक दिन होगा महीने में तीन बार होगा ऐसे धीरे धीरे उस फेज से बाहर निकलेंगे एकदम निकलना मेरे हिसाब से जब तक प्रभु सच में करेगा वो तो करता ही है लेकिन एक प्रोसेस से होकर हमें रिहाब के बाहर निकलना पड़ेगा पोन एडिक्स भी हैं हमारे रिहाब सेंटर्स में ओके सेक्शुअल एडिक्स वी कॉल देम सेक्स एडिक्स और पॉन एडिक्स सो ऐसे कई सारे एडिक्शन हैं इसका पहला है पहले विल पावर एक चुनाव कर लो कि मुझे बाहर निकलना ये सही नहीं है दूसरी चीज कि एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ढूंढो आई एम यंगर आई विल फाइंड अ पास्टर फ्रेंड और समबडी हुर टू मी मेच्योर इनफ मैरिड है स्पेशली मैरिड हो क्योंकि अगर लड़की है लड़का है कोई भी आएगा तो वी प्रेफर कि एक मैरिड कपल हो मेच्योर कपल उनके पास जाए फॉर एग्जांपल मैं अपना अगर मेरे संग ये प्रॉब्लम है तो मैं पास सैमी के पास जाऊंगा पास मथाई के पास जाऊंगा बोलूंगा पास मेरे आप मेरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनिए मैं इस इशू से स्ट्रगल कर रहा हूँ आप मेरा मदद करो और राइट और जब आप ये करते हो तब आपको ये ट्रस्ट भी करना पड़ेगा कि अगला व्यक्ति आपका बात को कॉन्फिडेंशियल रखेगा और आपको भरोसा कर कर अपनी वीकनेस बतानी पड़ेगी उसको वो भरोसा दिखाना पड़ेगा थर्ड थिंग सारे प्रैक्टिकल जितनी वेबसाइट है उन पर ये सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन ऑन कर दो ताकि वो नोटिफिकेशंस वो चीजें आपको आए ना जो आप देखते हो फोर्थ थिंग प्रे आज द लॉर्ड फॉर स्ट्रेंथ किसी भी नशे से बाहर निकलना प्रभु के बिना संभव नहीं है सो so, जो चौथी चीज करनी है वो प्रभु से प्रार्थना करना है और मेरे को पता है बच्चे हैं तो माँ बाप से हम ये बात नहीं सकते कि हम इससे होकर कि मम्मी पापा थोड़े से कई बार स्ट्रगल में आ जाते हैं तो चौथी चीजें प्रार्थना करो राइट पार्स यू लाइक टू एड जस्ट एडिंग उसमें जिस प्रकार से हम जब अपना घर का निर्माण करते हैं तो भूमि वी बाय लैंड है ना जब भूमि खरीदते हैं तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम क्या खड़ा करते हैं नहीं हम एक लैंड खरीद रहे हैं यस yes. हम एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनाते हैं उसके बाद एंड देन दीवारें एंड ऑल बाउंड्री वॉल बनाते हैं क्यों हम नहीं चाहते हैं कि किसी की भी एंट्री यूं ही हो जाए वी हैव टू क्रिएट और बिल्ड बाउंड्री वॉल्स अराउंड अस अपने चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाना जरूरी है इस चीज में हमारे पेरेंट्स हमारे पास्टर्स हमारे चर्च एंड इन सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम बाउंड्री वॉल्स बनाएं

कि हम अपने लिए बाउंड्री वॉल्स मजबूत कर रहे हैं सो जस्ट एडिंग टू दैट और चार चीज़ें पासर जी ने बताई पहली थी विल पावर दूसरा था सेफ ब्राउजिंग तीसरा था मेंटोस को ढूंढें चौथा था प्रेयर और पांचवी एक चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा वो है फ्ली भागो वचन बताता है फ्ली फ्रॉम यूथफुल लास्ट जवानी की अभिलाषाओं से भागो भागना कैसे है Uh, कितने लोगों ने हाइड्रोथेरेपी का नाम सुना है जो लोग डाइटिंग कर चुके हैं शायद उन्हें पता हो हाइड्रोथेरेपी ऐसी थेरेपी होती है जब खाना खाने के पहले आप जितना मैक्सिमम पानी पी सकते हैं आप पी लेते हैं और जब पानी से पेट भर जाता है तो खाना ज़्यादा खाना ही नहीं पड़ेगा राइट उसी तरीके से जब आप अपने आप को पौन देखने का मन हो रहा है आप अपने आप को दूसरी चीज से भर लो और वो दूसरी चीज क्या है आप उस वक्त जब आपको अभिलाषा आ रही है पौन देखने का मन हो रहा है आप बाइबल खोल लो आप बाइबल पढ़ो मन नहीं लगेगा थोड़ा पुश करना पड़ेगा खुद को लेकिन करिए पुश और पुश करके आप बाइबल पढ़िए जीसस के सॉन्ग्स लगा लीजिए वो सुनिए अपने माइंड को डाइवर्ट करिए जब आप अपने आप को उन बातों से भरेंगे तो पॉन्ड के लिए आपकी लाइफ में जगह नहीं बचेगी और जब इन पांचों चीज़ों को आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर उसमें सफल होंगे राइट right? एक सवाल अभी क्योंकि इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें इसमें जोड़ दे रहा हूँ सवाल ये है कि, कि मास्टरबेशन से कैसे डील करें आप सुन करके सुनने में अजीब नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये जंजीर का प्रॉब्लम है तो मुझे अजीब नहीं लग रहा है तो आपको तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए हम में से किसी को अजीब नहीं लग रहा है बिकॉज वी नो दिस इज समथिंग दैट जवान होकर के निकल रहे हैं तो सवाल ये है जेनविन समस्या है कि मास्टरबेशन से होकर के कैसे हम उसको कैसे डील करें उससे कैसे बाहर निकलें राइट अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये शब्द है क्या राइट तो हाउ टू डिफाइन नाउ मैं इसको सिंपल शब्दों में डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो प्रभु ने बनाया वो रहा सीक्रेट है ओके सो आई विल डिफाइन इट सिम्प्ट जो चीज़ नेचुरल नहीं है लेकिन आप उसको अननेचुरल तरीके से एक्साइड करके अपनी बॉडी को यू वॉन्ट टू फुलफिल योर फिजिकल डिज़ायर्स आप अपने शारीरिक डिज़ायर्स को इच्छाओं को अननेचुरल तरीक़ों से पूरा करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल पौन आप क्यों देखते हो मतलब कोई भी क्यों देखता है कौन समझ में आ रहा है अश्लील वीडियोज अश्लील मैगजीन्स अश्लील, अश्लील, अश्लील ऐसी तस्वीरें जो नहीं देखना चाहिए अश्लील है ना बेसिकली अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ तो न्यूड या ऐसा जिसमें शारीरिक संबंध बना रहे हैं लोग ऐसी तस्वीरें ऐसी वीडियो क्यों देखते हैं लोग आपने कभी सोचा क्यों देखते हैं वॉट इज गॉड्स प्लान ना आई एम गोइंग लिटिल थोड़ा सा आगे शुरुआत में वैन गॉड प्रभु ने क्या बनाया आदम के लिए ईव को बनाया एडम एंड ईव तो मेल के लिए फीमेल को बनाया एंड उनके बाद उनसे क्या कहा वट वॉज गॉड्स ब्लेसिंग बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई तुम फलवंत हो और बढ़ते फले फूलो बढ़ते चले जाओ यानी सेक्स बेसिकली शारीरिक संबंध इज अ सीक्रेट थिंग एक पवित्र चीज है जो प्रभु ने एक तोहफे के रूप में एक मानव को एक शारीरिक संबंध में इन दॉन्ड ऑफ इन दवनेट ऑफ मैरिज यानी मैरिज के विवाहिक संबंध में उसकी अनुमति को दिया है लेकिन जब आप विवाह के संबंध में उस बाउंड्री में नहीं रह करके उससे पहले ही जैसे पास ना बाउंड्रीज को ना बनाते हुए पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपनी बॉडीज को एक्सपोज करके दैट्स वाई यू वॉन्ट टू लुक टू पॉन अनरियलिस्टिक वीडियोज और उसके क्योंकि आप वैसी चीज़ें देख रहे हो तो आप भी एक्साइट होते हो एंड एज अ रिजल्ट यू वॉन्ट टू मास्टरबेट आप मास्टरबेट करना चाहते हो राइट right? uh, जैसा मैंने बताया मास्टर पेशेंस क्या है इट्स इट बाइबल टॉक्स अबाउट इट मैनली सिक्रेशन एंड फीमेल सिक्रेशन जो महिला जिन सिक्रेशन से होकर के निकलती हैं और जो पुरुष जिन सिक्रेशन से होकर के निकलते हैं दोज डिस्चार्जेस एंड टेस्टमेंट हैड अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन जब भी ये होता है आपको सात दिन के लिए तंबू से बाहर हो जाना है आप पवित्र ठहरते हैं मंदिर में नहीं जा सकते बलिदान नहीं कर सकते यू हैव टू बी आउट ऑफ दैंप एंड यू हैव टू फॉलो दैट नाउ नाउ यू आस्क मी कि मास्टरबेशन से डील कैसे करना है आप मास्टरबेशन तक पहुँचे क्यों हो यानी आप वो सब देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए राइट right? देर इज साइंटिफिकली देर आर टू हारमोन ऑक्सीटोसन जिसको हम हैप्पी हारमोन कहते हैं जो एक महिला के अंदर रिलीज होता है एक माँ के अंदर रिलीज होता है वो कब रिलीज होता है पता है आपको जब एक माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है ऑक्सीटोसिन इज रिलीज क्यों क्योंकि दोज आर हैप्पी हारमोन्स जब आप इस तरीके की भावनाओं में जा रहे हो ना एक तरीके का एक डुपोमाइंड रिलीज हो रहा है एक्साइटमेंट आ रहा है तो आप उसको रिलीज करना चाहते हो राइट right, तो आपको जैसा पास मैनुअल बोल रहे थे ऊपर से कि जो चीजें आपको ट्रिगर करती हैं जैसे ऐसे पेजेस ऐसी वीडियोस या ऐसी संगति ऐसे फ्रेंड्स जिनके जो ये करते हैं और आपको भी दिखाते हैं और आपके संग रहते कहते भाई ये कर ले कुछ नहीं होता ये तो इट इज पार्ट ऑफ आर साइकिल भाई अंदर बन रहा है तो बाहर भी तो निकलना चाहिए दैट इज वॉट दिस से आई एम टेलिंग यू मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों से वो बोलते क्या प्रॉब्लम है बॉडी में तो है ना सिक्रिश्चन दैट इज द प्रॉब्लम सो जस्ट टू रिलीज इट क्या होता है वी स्टार्ट इन टू दो संगति वैसे लोगों के संग बैठना क्योंकि हमें उनमें अपना कंफर्ट मिलना शुरू होता है क्यों क्योंकि मैं चोर चोरूँ और मुझे लगता है कि अगला भी मैं उसके संग बैठूंगा मैं चोरी कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा अच्छा क्योंकि मेरा लेकिन मैं किसी शरीफ के संग बैठ जाऊंगा तो मुझे हर दिन वो कहेगा भाई ये मत कर ये बाइबल के अनुसार नहीं है ये मत कर तो फर्स्ट थिंग इज उससे बाहर निकले कैसे पहले ये चीज़ें देखना बंद करो जो आपको ट्रिगर कर रही है आप मास्टरबेशन तक पहुँचे कैसे हो उन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस उन एक्साइटमेंट की वजह से जो आप उन वीडियोस, उन चीज़ों की उन रील्स को फॉलो करने के थ्रू आए हो मास्टरबेशन इज दी एंड प्रोडक्ट ऑफ दोज एक्साइटमेंट अगर आपको पता चल रहा हो इन वीडियोज़ को देखने का एंड प्रोडक्ट है मास्टरबेशन एंड इट हैपन्स सिर्फ बॉयज़ नहीं मेल फीमेल बोथ में है ये चैलेंज आज के यंग बॉयज और गर्ल्स दोनों में ये चैलेंज है इसीलिए आप उन चीज़ों से दूर हो जाओ हम क्यों कह रहे हैं किसी ने एक सवाल पूछा सांसारिक लस्ट से सांसारिक बातों से पास्टर कैसे दूर हो आई एम गोनो गिव यू शॉर्ट एग्जाम्पल वी आर गोनो क्लोज दिस और भी सारे सवाल हैं uh, आज से कई साल पहले पाँच बिलीनियर्स थे आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो पाँच बिलीनियर्स वेंट फॉर अ हॉलीडे ये रियल स्टोरी है हॉलीडे में उन्होंने क्या किया एक समरीन को हायर किया और वो ओशन डीप चले गए और ओशन डीप में क्या हुआ ना उनका जो सबमरीन था सात दिनों तक लोग ढूंढते रहे लेकिन ये पांचों बिलियनियर मिले नहीं ये लोग वेकेशन पे गए थे मिले नहीं सात दिन के बाद खबर आई कि इनकी लाशें समुद्र से तैराकों ने निकाली हैं और फिर रिसर्च करी गई यार इतने बड़े लोग बिलियनर करोड़पति अरबपति इनकी डेथ कैसे हो गई इतनी सेफ समरीन तो पता है रिजल्ट क्या आया जब डाइवर्स इंजीनियर जब अंदर गए तो उन्होंने रिजल्ट ये आया कि समरीन के संग क्या होता है ना समरीन हर समरीन एक प्रेशर को झेलने के लिए बनाई जाती है तो एक समरीन होती है कि इतना डीप जाएगी उसके नीचे जाएगी तो फट जाएगी उससे तो ऐसे समरीन प्रेशर को दबाव को झेलने के लिए बनाई जाती हैं उस समरीन में क्या हुआ कि जो दबाव बाहर से था यानी जो वाटर का प्रेशर बाहर से था उसने उसको फटने पर मजबूर कर दिया अंदर से दबाव उसका सही था अब आप बोलोगे पास सर ये क्या आप उदाहरण दे रहे हो मैं उदाहरण ये दे रहा हूं द वन हु इज इन द वर्ल्ड वेन दैट फोर्स बिकम ग्रेटर इन यूर लाइफ देन वन हु इज इन इन साइड ऑफ यू बिकम लेसर इसीलिए जो आपके अंदर है बाइबल कहती है वो संसार में जो है उससे बढ़कर है उस फोर्स का प्रयोग करो ना यार यही गॉड इज गिवन यू दथॉरिटी क्या गॉड इज गिवन यू दावर प्रभु ने आपको वो सामर्थ्य वो शक्ति वो अधिकार इन सारी भावनाओं के ऊपर दिया है हम जब तक खुद को यील्ड नहीं करेंगे शैतान हमको छू भी नहीं सकते जब तक हम खुद उस दरवाजे को नहीं खोलेंगे ना कि मुझे पोन देखने के लिए मैं बैठा हूं खाली जो सबसे बड़ा टेस्ट आएगा आपका जब आप एकांत में आप इतनी बड़ी भीड़ में कोई ये नहीं कर रहा होगा हो सकता है ज्यादा से ज्यादा आप पीछे बैठकर वीडियो गेम खेल सकते हो क्योंकि आप बोर हो रहे हो तो हो सकता है इतनी भीड़ में कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा सबसे पीछे बैठे आप वीडियो गेम खेलोगे लेकिन पोन तो नहीं देखोगे लेकिन जब अकेले बैठे होगे ना द रियल टेस्ट ऑफ हु यू आर किसी ने इस प्रकार का मैं वही हूं जो मैं अकेले में हूं समझ रहे हैं आप तो अगर अकेले में आप विश्वास योग ठहर जाओगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यूज द पावर दैट गॉड हेज गिवन एस इट इज इन साइड ऑफ यू हम उसका प्रयोग ही नहीं करते हैं। और फटते क्यों हैं क्योंकि बाहर से जो प्रेशर है ना वो हमारे ऊपर इतना ज्यादा आने लगता है कि हम उसमें फट जाते हैं उसमें डूब जाते हैं हमको लगता है उसमें ही मेरी खुशी है सो दैट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल सो मास्टरबेशन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस पोनोग्राफी और पोन साइड अच्छी चीजों को देखने का यंग पीपल सेक्स इज अ होली थिंग मेरा हम लोग के चैनल में हम लोग इस चीज को डील करते हैं ये बहुत पवित्र चीज है इसको ना हम लोग हमारी सोसाइटी ने टैबू बना दिया है लेट्स नॉट से इट इज टैबू ये बताएं प्रभु ने मान मेल फीमेल एक्स वाई को बनाया इसीलिए कि वो एक साथ आकर सृष्टि को आगे बढ़ाएं दैट इज गॉड्स प्लान लेकिन इन दी बॉन्ड इन दी कवनेट ऑफ मैरिज सिर्फ विवाह के संबंध में शारीरिक संबंध की अनुमति है उसके बाहर आप जो कुछ करते हो इट इज वे ओके okay? अगर यू मेक रिलेशनशिप विद अ बॉय जो ऐसे आपका विवाह नहीं हुआ है एक ऐसी स्त्री से या लड़की से जिससे आपका विवाह नहीं हुआ है दैट इज अबिचार यू हैव कमिटेड सिन अगेंस्ट गॉड प्रभु से इसीलिए अपनी सेक्शुअलिटी को जो कि प्रभु की ओर से एक बहुत अद्भुत तोहफा है उसको बचा कर रखो ओके okay?